నువ్వు అమ్మి అమ్మి అంటే నీ పెళ్ళాన్నై పోయినట్టుందిరా సామే నా సామే. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल. आज हम बात करेंगे सुपरस्टार अर्जुन की ब्लॉकबस्टर फिल्म पुष्पा द राइज. तो दोस्तों, हम सबकी इंतजार की घड़ी खत्म हुई एंड फाइनली पुष्पा द राइज का थर्ड सिंगल यानी सामी सामी सॉन्ग जो ऑफिशियल तौर पे रिलीज हो चुका है. टोटल चार लैंग्वेज के अंदर रिलीज हुआ, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम. और दो दिन से जो मैं लगातार कह जा रहा हूँ वो फिर से कहने वाला हूँ, हिंदी वर्षन के इंतजार कर रहे सभी फैंस के लिए आज का दिन भी यहाँ पे निराशाजनक रहा है, क्योंकि हिंदी वर्षन को रिलीज नहीं किया. लग रहा था आज के दिन रिलीज होगा, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हिंदी वर्षन को आज के दिन भी रिलीज नहीं किया गया. टोटल चार लैंग्वेज के अंदर यहाँ पे रिलीज किया. और ये हिंदी वर्षन को लेके क्या हुआ है ये थोड़ा आगे जाके बात करते हैं. अब बात करते हैं सॉन्ग. इस सॉन्ग के अंदर अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना की बेहतरीन केमिस्ट्री के साथ साथ बेहतरीन डांस मूव्स और कमाल के लुक्स यहाँ पे नजर आए. इस थर्ड सॉन्ग के लिरिकल वीडियो के अंदर हमें पहले वाले दो गानों की तरह ग्राफिक्स नहीं भाई, यहाँ पे इस सॉन्ग के इम्पोर्टेंट पार्ट, सीन्स, डांस मूव्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो कि काफी ज्यादा हिट और काफी ज्यादा यहाँ पे मजा आया. अल्लू अर्जुन के लुक्स, डांस मूव्स और रश्मिका मंदाना की बेहतरीन डांस, वो जो अदाए सिग्नेचर मूव्स, रश्मिका मंदाना और अल्लू अर्जुन की बेहतरीन केमिस्ट्री और मल्लिका यादव की सुरीली आवाज के और डीएसपी सर का म्यूजिक इस सॉन्ग को एक ब्लॉकबस्टर लेवल पे पहुंचा रहा है. और इस सॉन्ग के अंदर फर्स्ट टाइम अल्लू अर्जुन और रश्मिका मंदाना एक साथ हमें नजर. तो दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी वर्षन का क्या हुआ. और हाल ही में अल्लू अर्जुन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गए थे, वहां पे जो उन्होंने सूर्यवंशी मूवी को जो है प्रमोट किया है, उन्होंने कहा है कि इस फिल्म को जो है जरूर से देखिए और इस फिल्म के अंदर जो है नोरा फतेही है, इस बात को नोट डाउन करें. और इस फिल्म को जो है धर्मा प्रोडक्शन जो है इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं. और अल्लू अर्जुन का ये जो मूवी है डायरेक्ट हिंदी के अंदर रिलीज हो रहा है, मतलब ये एक पैन इंडिया फिल्म है हिंदी के अंदर रिलीज. और उन्होंने यहाँ पे इस फिल्म को प्रमोशन किया है, इसका दो मतलब. पहला है सूर्यवंशी मूवी को धर्मा प्रोडक्शन ने प्रोड्यूस किया, और हो सकता है हिंदी के अंदर पुष्पा मूवी को जो है धर्मा प्रोडक्शन प्रोड्यूस कर, और हिंदी के अंदर पुष्पा मूवी का काफी ज्यादा जो है प्रमोशन यहाँ पे चल रहा है. और दूसरा कारण है ये थर्ड सॉन्ग, जिसको कि हिंदी के अंदर रिलीज नहीं किया गया, उसके बदले आपको एक आइटम सॉन्ग सुनने को मिलने वाला है. उस आइटम सॉन्ग के अंदर आपको नोरा फतेही जो है नजर आने वाले. जी हाँ, अल्लू अर्जुन और नोरा फतेही एक साथ जो है इस आइटम सॉन्ग के अंदर नजर आएंगे और स्क्रीन शेयर करते हुए नजर आएंगे. और इस बात को अल्लू अर्जुन ने खुद जो है वहाँ पे अनाउंसमेंट किया. तो आप लोग शायद थोड़ा सा समझ चुके हैं क्यों सूर्यवंशी मूवी को यहाँ पे प्रमोट किया गया. तो अगर आप नहीं समझे कोई टेंशन नहीं, इसके बारे में डेडिकेटेड वीडियो मैं बनाने वाला हूँ. जी हाँ, क्यों हिंदी सॉन्ग को रिलीज नहीं किया गया है, उसके पीछे एक्चुअल क्या कारण है, मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूँ. थोड़ा सा वेट कीजिए या फिर चैनल पर जाके चेक कीजिए, आ भी गया हो. तो दोस्तों, आपको ये सॉन्ग कैसा लगा, मुझे तो काफी पसंद आया. और ये सॉन्ग जो है सभी रिकॉर्ड को तोड़ता हुआ नजर आएगा. और मैंने कहा ये कैची सॉन्ग है, सबके जुबान पे चढ़ने वाला है और ये चढ़ भी चुका. आपको ये सॉन्ग कैसा लगा मुझे कॉमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते. और वीडियो अच्छा लगा लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर देना. और इस सॉन्ग के रिलेटेड, मूवी के रिलेटेड पल पल के अपडेट मैं आप लोगों को दे रहा हूँ, तो वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिए. तो मिलते हैं आप लोगों से किसी और अगले एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.